If A, B, C are mutually exclusive event and exhaustive event, then what is the probability that they occur simultaneously? तो सबसे पहले mutually exclusive की condition क्या होती है? कि हमारे पास में अगर तीन events हैं, तो A intersection B intersection C, इसकी जो value होती है, ये क्या होती है? हमारे पास में phi के equal होती है. It means, see, हमारे पास में तो तीनों इवेंट में कोई भी इवेंट क्या होता है, सैंपल केस कॉमन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई से भी अगर हम दो इवेंट लें, है ना, तो वो भी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी भी फाई होता है, बी इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास में फाई होता है, और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास में फाई होता है. और हमें गिवन ये एग्जॉस्टिव भी है. इट मीन्स हमारे पास में अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा तो आ जाएगा फाई, क्या सैंपल केस एस के इक्वल. तो अगर मैं इसे क्या करूं, वेन डायग्राम में दिखाऊं, तो क्या होगा, ये हमारे पास में लेट से अगर ग्रीन बॉक्स सैंपल केस है, तो मींस हमारे पास में तीन इवेंट इस तरीके से होंगे कि उनमें कुछ कॉमन नहीं, और उन तीनों का सम क्या है, हमारा सैंपल इस केस के इक्वल आ जाएगा. जैसे अगर मैं देखूं, ये मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, और ये मेरा इवेंट सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी सैंपल, इन तीनों का यूनियन एस के इक्वल है, लेकिन इंटरसेक्शन क्या है, फाई के इक्वल है. तो अगर हम देखेंगे, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी कि what is the probability that they occur simultaneously, तो means A intersection B intersection C की probability क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0 के equal option C.